हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी में फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, आपके पास टाइम कम है। मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए डेली बेसिस से वीडियो ला रही हूँ। आप डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए। एंड दोस्तों, ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यदि आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन दिया हुआ है, वहां पे चेकआउट करके अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ समय नष्ट न करते हुए। क्वेश्चन है, शराब एक प्रकार का है, तो शराब यानी एल्कोहल जो है, व्हाट इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल जो है एक प्रकार का क्या है, सीएनएस अवसादक है। यानी कि इज ए सीएनएस डिप्रेसेंट, यानी कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कार्ड इस सब को भ्रमित कर देता है। कुछ समय के लिए आप खुश हो जाते हैं अल्कोहल लेकर के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल की सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, और यदि इसमें 0.1 मिलीग्राम वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है। तो इससे दोस्तों, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंज्यूप्शन इज दैट इट इंक्रीज दैट लेवल ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड, एंड इफ इट इंक्रीज बाई 0.1 मिलीग्राम परसेंटेज देन व्हाट इज अफेक्टेड बाई इट। तो यह अफेक्ट करता है तुरंत आपके ब्रेन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, आपका ब्रेन जो है वो सही सोच नहीं पाता है, अवसाद में भर जाता है, और हमारे जो मांसपेशियां और न्यूरॉन की जो जंक्शंस होती है वो शिथिल पड़ जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है और सिंगल नर्व प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एन इम्पल्स। ए सिंगल नर्व प्रोड्यूस एन इम्पल्स, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। तो नर्व यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, यह एक अकेला नर्व केवल एक बार संकुचन होता है। एक अकेला नर्व केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करता है और इस प्रकार या अन्य नर्व इम्पल्सों के अभाव में पेशीय कोशिकाओं के सतत संकुचन को रोकता है। एंड नेक्स्ट है, तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है। द जंक्शंस ऑफ द टेंट्रिक फाइबर इज कॉल्ड। तो तंत्रिका तंतु, यहां तांत्रिक नहीं है, तंत्रिका है, नर्वस फाइबर होगा, ठीक है, तंत्रिका तंतु। द जंक्शन ऑफ द नर्वस फाइबर इज कॉल्ड, यहां तांत्रिक हो गया है। तो तंत्रिका तंतु के जो ज्वाइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना होता है। Approximately what percentage of the brain weight is that of the entire body? तो वो होता है पूरे शरीर के भार का 2% होता है मस्तिष्क का भार। और मस्तिष्क यानी हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 3.3 IBS होता है, यानी कि मस्तिष्क का 1350 से 1450 ग्राम भार होता है और पूरे शरीर के भार का 2% होता है। महिला का ब्रेन औसत होता है 1250 से 1350 और पुरुष का 1350 से 1450 ग्राम। एंड नेक्स्ट है,
किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? ओमेटिंग अक्रॉस आफ्टर विच टाइप ऑफ इंजरी, तो वो हमारे सिर पर जब चोट लगती है, भारी चोट लग जाती है, तो ज्यादातर उल्टी आती है। सिर पर चोट लगने पर मस्तिष्क के विभिन्न भाग, जैसे कि हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पर चोट हो गया आदि की क्षतिग्रस्त होने पर खतरा रहता है। तो जैसे कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आदि के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है, जिसे उल्टी होने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का भाग है। एंड नेक्स्ट है, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो स्वचालित नाड़ी प्रणाली है, वह किसको कंट्रोल करती है? आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें 12 जोड़े हमारे दिमाग से कॉग्निथिव नाड़ी निकलती है, एंड 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। एंड तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वो दो प्रकार का होता है, अनुकंपी अनपरानुकंपी यानी सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता? ये हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली का नाड़ियां है, कॉर्निथल नाड़ी, जिसमें से दसवा नाड़ी होता है आपका वेगस नाड़ी, वेगस तंत्रिका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेगस नर्व, ये वेगस नर्व किसको अफेक्टेड नहीं करता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है। यानी कि वेगस नर्व का कार्य क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वेगस तंत्रिका जो होती है हमारी दसवीं कपाली तंत्रिका होती है, तथा सबसे अधिक फैली हुई संवेदी और प्रेरक तंतुओं की मिश्रित तंत्रिका है। यह हृदय की गति धीमी करने तथा बंडल्स यानी पुलिका की चालकता घटाने के लिए उत्तरदायी होती है। संकुचन बल इससे घट जाता है और ये कुछ स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड्स से आवेगों को ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। प्रकुंचन यानी सिस्टोल की अवधि का को कम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हृदय गति की धीमी हो जाती है, ये सही है। बंडल की चालकता घट जाती है, ये भी सही है। संकुचन बल घट जाता है, ये सही है। बट प्रकुंचन की अवधि बढ़ जाती है, ये सही नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? विच द ड्रग्स स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? तो वो होती है यहाँ पे दोनों दो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉइड एंड एम्फेटामाइड, दोनों राइट हो जाएगा। एनाबोलिक स्टेरॉइड हमारे मसल्स को बिल्ड कर देती है, और एम्फेटामाइड जिसके अंतर्गत हमारा कोकीन कैफीन उत्तेजक के अंतर्गत आता है, एम्फेटामाइड कोकीन कैफीन एफेड्रिन ये सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन केंद्र होता है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी इज। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रिया यानी तंत्रिका तंत्र शरीर को बड़े पैमाने पर अनैच्छिक अथवा चेतन अवस्था पर नियंत्रित करती है। और प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का खोज किया था मार्शल हॉल ने। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि सांप को देखकर अचानक भाग जाना, धमाका सुनकर चौंक जाना, गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ हटा देना, ये होता है आपका प्रतिवर्ती, जो अपने आप सेंसरी ऑर्गन द्वारा यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जो आप सोच भी नहीं पाते। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार का होता है, एक अप्रतिबंधित और दूसरा प्रतिबंधित, यानी अनकंडीशनड इन या आर इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो जन्मजात होता है अप्रतिबंधित, जो इस प्रतिबंध नहीं लगा सकती आप, जन्मजात होता है। जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना, छींकना, खांसना, ये जन्मजात है।
इस पर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एक हो, दूसरा होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया यानी कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है, हम नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण से सीख सकते हैं, सीखते हैं। तो जब हम सीखते हैं उस समय प्रारंभ में इनका जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन द्वारा होता है, और बाद में इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी स्पाइनल नाड़ी करने लगती है। जैसे कि साइकिल चलाना, आरंभ में आप साइकिल चलाते हैं तो बार बार ध्यान देना पड़ता है कि हैंडल कैसे पकड़े, कैसे बैठे, कैसे कंट्रोल करें, और बार बार गिरते हैं तो उसका कंट्रोल उस समय मस्तिष्क करता है, क्योंकि सीखे नहीं रहते हैं, प्रशिक्षण नहीं लिए हैं अभी। जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप बात करते हुए भी साइकिल चला सकते हैं। मतलब उस समय कंट्रोल आपका ब्रेन नहीं करता, आप जो अभ्यास हो गए हैं आपके अंग ही स्पाइनल कार्ड करता है। जैसे नाचना, टाइपिंग करना, तैरना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, एक एक अभ्यस्त है प्रशिक्षण के बाद अपने आप होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लीड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या निहित है, तो सेंट्रल नर्वस जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है तीन प्रकार का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपरिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है। हमारे ब्रेन के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत हमारा प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत क्वाड्रेंट जेमिनस, सेरिब्रल वेंट्रिकल, और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन के अंतर्गत सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और पोन्स आता है। अग्र मस्तिष्क जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सोचने, कल्पना करने और स्वास्थ्य सुनने सभी बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है हमारा प्रमस्तिष्क। एंड हमारा जो इसमें भाग होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस का, अग्र मस्तिष्क का, थैलेमस जो होता है ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है, इसको रिले स्टेशन भी कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है यह प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध यानी सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र होता है। जैसे कि ताप नियंत्रण केंद्र भी होता है हाइपोथैलेमस में, यानी कि ताप का नियंत्रण कौन करता है, क्वेश्चन आएगा तो हाइपोथैलेमस। हार्मोन पर नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। एंड पीयूष ग्रंथि के हाइपोथेल हार्मोन को भेजना कौन करता है, कौन भेजता है, हाइपोथैलेमस। जल संतुलन के नियंत्रण का केंद्र कहाँ पे है, तो हाइपोथैलेमस। भूख प्यास लगने का केंद्र कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस। एंड कार्बोहाइड्रेट वसा का उपापचय जैसे कार्य को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। एंड मध्य मस्तिष्क में आपका आता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल एंड सेरिब्रल पेंडिकल। तो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिनल जो होता है वह हमारे देखने और सुनने की क्षमता पर संतुलन करता है, देखने और सुनने की क्षमता पर संतुलन करता है। एंड पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आपका आता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। सेरिबेलम जो हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है, हमारे मूवमेंट को, हमारे बॉडी पोस्चर को, हमारे बैलेंस संतुलन को बनाए रखता है। यदि हमारे सेरिबेलम पे चोट लग जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे शरीर की गति ही नहीं हो पाएगी, संतुलन ही रुक जाएगी। यानी कि इस पर अगर चोट लग जाएगा सेरिबेलम पर, तो इन सभी क्रियाओं का व्यवधान हो जाएगा। सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड जो पोन्स बेरेली होता है वो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर रहता है, यानी कि यह ऊपर से मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। सेरिबेलम को मेडुला से ऊपर, मध्य मस्तिष्क द्वारा नीचे सेरिब्रम से जोड़ता है। और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन में, पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो होता है उन सभी जैविक कार्यों, वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पोन्स बोरेली तथा मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है, पोन्स बोरेली और मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। यानी कि हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, पोन्स बोरेली है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये तीनों मिलकर के मस्तिष्क का स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य मस्तिष्क, पोन्स बोरेली और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एक सीध में होती है, इसलिए मस्तिष्क का स्तंभ बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हमारी इच्छाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि यह पाचन तंत्र के क्रमाकुंचन गति को, रक्त परिसंचरण, हृदय धड़कन, श्वसन
क्रिया इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, डाइजेशन, सभी प्रकार की क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है, जो हमारे हम आपको पता नहीं है कैसे हो रहा है, यानी अपने आप हो रहा है। यह हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदक का संचार किसके द्वारा करती है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पल्स सेंसेशन फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, कोशिका शरीर बोल रहा है, यानी सेल बॉडी जो हमारा न्यूरॉन होता है इस तरीके से होता है। ये हमारा बीच में सेल बॉडी हो गया, ये हमारा डेंड्रॉन हो गया, ठीक है, डेंड्रॉन, ये हमारा एक्सॉन हो गया, क्या हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये हमारा एक्सॉन हो गया। इस प्रकार से हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारा जो ये हमारा है क्या, ये है सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ये क्या कर रहा है, कोशिका शरीर से, यानी कि सेल बॉडी से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से, सेल बॉडी से नाड़ी संवेदन हो रहा है, किधर से हो रहा है, इधर से, इधर भी एक दूसरे न्यूरॉन से जाके मिल जाएगा। तो सेल बॉडी से संवेदन का संचार किसके द्वारा हो रहा है, तो किसके तरफ जा रहा है, एक्सॉन के तरफ, किसके तरफ जा रहा है, एक्सॉन के तरफ। तो यहाँ पे एक्सॉन आपका राइट होगा, एक्सॉन आपका राइट होगा। अगर कहेगा कि सूचनाएं जो है सेल बॉडी की ओर किसके द्वारा जाती हैं, तो डेंड्राइट्स के द्वारा। अगर इधर से दूसरे न्यूरॉन से संदेश आएगा, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से संदेश आएगा इधर के तरफ, डेंड्राइट्स की तरफ, डेंड्राइट्स किसकी तरफ ले जाएगा, सेल बॉडी की ओर। तो सेल बॉडी की ओर कौन ले जाता है, डेंड्राइट्स, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से संदेश को प्राप्त करके, जो डेंड्राइट्स होते हैं संदेश को प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं, और एक्सॉन जो होते हैं प्रेषककर्ता यानी भेजने वाले होते हैं, सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या हमारे कार्यकारी अंगों तक भेजते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है? तो नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है, तो तीन है। द नंबर ऑफ ऑर्गन इन द नर्वस सिस्टम, तो इसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन, ये तीन अंग होते हैं। नेक्स्ट है, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है। तो दोस्तों स्वाद, द टेस्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सेंसेस। तो स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग जीभ है, आपको पता है टंग, यानी कि मानव शरीर में वातावरण से सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन होती है, नेत्र, कान, नासिका, त्वचा, जीभ। इनमें से स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग जीभ है, जो मीठे और नमकीन का अनुभव, इसके स्वतंत्र जो स्वतंत्र भाग हमारा होता है उसमें मीठा और नमकीन का अनुभव कराता है, खट्टे पदार्थों का जो बगल वाला भाग होता है, पार्श्व वाला, उससे होता है, और कड़वे का जो अनुभव, कड़वे का स्वाद का अनुभव पश्च, जिनकी पश्च भाग से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है, व्हाट आर द कॉमन आई प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। तो वो होता है आपका मोतियाबिंद, क्या होता है, वृद्धावस्था में मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट हो जाता है अधिक उम्र के लोगों को, यानी कि आंखों की एक सामान्य समस्या है, इसमें आंखों के लेंस की पारदर्शिता उम्र के साथ कम होने लगती है, जिससे प्रकाश आंखों में जाने से अवरुद्ध हो जाता है, नहीं जा पाता है। मोतियाबिंद एक या दोनों आंखों में हो सकता है। 50 से अधिक आयु के लोगों में आंखों का क्षमता कम होने का यह मुख्य कारण है। शुरुआत में धुंधलापन काफी कम होता है, पर धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है और समय पर उपचार न होने पर अंधापन होने का खतरा रहता है। इसके लिए आपको विटामिन ए रेगुलर बेसिस पे अच्छे लेने से आपको ये सभी आंखों के संबंधी कोई रोग नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं, व्हाट आर द मेन सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, संवेदी अंग है, जो हमारे अनुभवों को हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है हमारे सेंसरी ऑर्गन। और जो मोटर नर्व होता है, सेंसरी ऑर्गन से हमारा सेंसरी
नर्व होता है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती है, और मोटर नर्व जो होता है हमारे ब्रेन से समस्त सूचनाओं को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, मांसपेशियों तक पहुंचाती है। तो ये सेंसरी यानी ब्रेन तक पहुंचाने का काम, सेंसों को, ज्ञान को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सेंसरी ऑर्गन्स में जो सेंसरी नर्वस है वो करती है। तो सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं? तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नेत्र, कान, नाक, त्वचा और जीभ। नेत्र से हम किसी वस्तु को देखकर बताते हैं किस रंग का है, क्या है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है सेंसरी नर्व के द्वारा। एंड कान से हम सुनते हैं कोई चीज, वो हमारे सेंसरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। नाक से हम सूंघ के पता चलते हैं कि इसका गंध कैसा है, स्मेल कैसा है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है सेंसरी नर्व। त्वचा जो है हमारे किसी वस्तु को मुलायम है कि कठोर है, कि ठंडा है कि गर्म है, ये पता लगाता है, इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। जीभ है, कड़वा, मीठा, खट्टा, कैसा है स्वाद, उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। यानी ये सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? विच सब्सटेंस हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी? तो शरीर को बैलेंस करने में कौन मदद करता है? तो कान में एक द्रव पाया जाता है एंडोलिम्फ। क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ फ्लूइड, जो हमारे शरीर को संतुलन बनाने में मदद करता है। एंडोलिम्फ जो है वो कान में पाया जाता है। कान के 2 कार्य होते हैं, एक श्रवण करना यानी सुनना, और दूसरा शरीर का संतुलन बनाना। तो याद रखिएगा, कान का कार्य केवल सुनना नहीं है, ये सुनना और शरीर का संतुलन दोनों बनाना है। यह कार्य 8वीं कपाल तंत्रिका अपने श्रवण भाग अर्थात कॉकलिया एवं प्रगाढ़ भाग अर्थात वेस्टिबुलर के तंत्रिकाओं की सहायता से करती है। यानी कि किसकी कौन सी कपाल तंत्रिका, जैसे कि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो 8वीं कपाल तंत्रिका जो है हमारे श्रवण करने का काम आती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों की क्रिया विधि कौन सी है? व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ईयर्स? तो कान का क्या काम है? सुनना एंड संतुलन बनाना, दोनों काम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़पटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? क्या है कड़पटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? वेयर कैन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स बी सीन? तो कहाँ देखी जा सकती है? तो कान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ईयर यानी कान में देखी जा सकती है। यानी कि कान के 2 कार्य हैं, आप जान ही गए, सुनना यानी श्रवण करना और शरीर का संतुलन बनाना, जो हमारे कान के अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, द्रव होता है, वो करता है। यह 8वीं कपाल तंत्रिका को अपने श्रवण भाग अर्थात कॉकलिया और प्रगाढ़ भाग अर्थात वेस्टिबुलर के तंत्रिकाओं की सहायता से संपादित करती है। कान के 3 भागों में विभक्त किया गया है, वाह्य, मध्य और अंतःकर्ण। वाह्यकर्ण सबसे बाहरी भाग होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, कर्ण, पल्लव, पिन्ना, एंड वाह्यकर्ण कुहर तथा कर्णपटह होता है। वाह्यकर्ण कुहर के भीतरी सिरे पर महीन दृढ़ अर्ध पारदर्शक एवं तिरछी झिल्लीनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे कर्णपट या कान का पर्दा कहा जाता है। यह वाह्यकर्ण को मध्यकर्ण से पृथक करता है। वाह्यकर्ण का क्या काम है? वो ध्वनि को इकट्ठा करके हमारे कान के अंदर भेजता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट मैच्ड? कौन इसमें मैच नहीं है? देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का, सही है। आर्थोलॉजी के अंतर्गत संधि यानी जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, सही है। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों यानी मसल्स का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका संबंध तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे एक गलत है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अंत अवयव नहीं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कल के क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डाउट था, मैंने उसका यानी कि क्वेश्चन था बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? हृदय में। तो हृदय में 4 कपाट होते हैं। तो क्वेश्चन था बाएं नीले और बाएं
बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच, तो मिट्रल वाल यानी कि बाई का स्पिट कपाट होता है। गलती जो मेरे मुंह से आपका ट्राई का स्पिट निकल गया था, लेकिन उसका आंसर है बाई का स्पिट। चार कपाट होते हैं हृदय में, दाएं अलिंद दाएं नीले के बीच ट्राई का स्पिट कपाट, और बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच बाई का स्पिट कपाट यानी कि मिट्रल वाल, एंड आपका पल्मोनरी धमनी एंड दाएं नीले के बीच पल्मोनरी कपाट होती है, पल्मोनरी वाल्व, एंड बाएं नीले और एरोटा के बीच होता है एरोटिक वाल्व। ये चार वाल्व होते हैं, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।